और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है। बैठक में बड़े कदम उठाने पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने बयान दिया, एटीएस का गठन किया जाएगा, पुलिस को चौकस करने पर विचार हुआ, जांच में पंजाब को हर संभव मदद के लिए तैयार, एसपी रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति होगी। तो ये सभी बयान आए हैं गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से। उन्होंने कहा कि एसपी रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति होगी, ये बयान उन्होंने दिया है गृहमंत्री अनिल विज ने। बैठक हुई है और बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि कड़े कदम उठाने पर यहां पर चर्चा हुई है, एटीएस का गठन किया जाएगा, तो पुलिस को चौकस करने पर विचार किया गया, पुलिस को चौकस करने पर विचार हुआ है, ये भी बयान गृहमंत्री अनिल विज की तरफ से आया है। जांच में पंजाब को हर संभव मदद के लिए तैयार रहना हुई है, बहाली में हुई है, करनाल में हुई है, और भी कुछ स्थानों पर हुई है, उसको देखते हुए आज सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एहतियाती कदम उठाने बारे चर्चा हुई है और सारी पुलिस को फोकस करने पर विचार हुआ है। काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिन पर शीघ्र काम शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब को अपनी इन्वेस्टिगेशन में हरियाणा की अगर कोई भी जरूरत होगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं उस मदद करने के लिए। घटनाएं हुई हैं, मोहाली में हुई है, करनाल में हुई है, और भी कुछ स्थानों पर हुई हैं, उसको देखते हुए आज सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एहतियाती कदम उठाने बारे चर्चा हुई है और सारी पुलिस को फोकस करने पर विचार हुआ है। काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिन पर शीघ्र काम शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब को अपनी इन्वेस्टिगेशन में हरियाणा की अगर कोई भी जरूरत होगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं उस मदद